गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। हेलो गाइस, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी इंडिपेंडेंस डे के लिए और एकदम बारिश पड़ने लगी और मैंने ये आज चूड़ियाँ पहनी हैं और मेरा ड्रेस चेंज है और मेरे पास ऑरेंज दुपट्टा नहीं था इसलिए मैंने रेड पहन लिया। पता नहीं कैसा लगा वो, पर अच्छा लग रहा है। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है अब तो, फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए इंस्टाग्राम पर जल्दी जाके फॉलो करिए मेरे अकाउंट को। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश होने लगी थी। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ जब ही आती है ये बारिश भी, वरना तो आती नहीं है। पर थैंक गॉड मेरी वीडियोस बन गई थी सारी, वरना मुझे बहुत बुरा लगता कि मैं तैयार हुई और मेरी वीडियोस नहीं बनी। बहुत गुस्सा आता है तैयार होकर वीडियोस ना बने। और ये बारिश भी जब ही आती है जब कोई हम काम कर रहे हो। देखिए कितनी तेज़ पड़ने लगी बारिश, तो कोई बात नहीं, बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोमोज़ की रेसिपी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। और आज बारिश भी हो रही है तब मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि आज मैं मोमोज़ बना रही हूँ और बारिश ही पड़ रही है। और गोलू रिया का बहुत मन कर रहा था खाने का, गोलू स्कूल गया हुआ है, रिया घर पर ही है। मेरी तबीयत भी ख़राब है, फीवर हो रहा है मुझे, फिर भी मैं बनाऊँगी। देखते हैं कैसे बनेंगे। अरे देखो बारिश भी हो रही है, बारिश बारिश। मज़ा आ रहा है बारिश में। ये रही मोमोज की स्टफिंग, इसमें कुछ वेजीज हैं, सोयाबीन है, पनीर है और सब बहुत सारे मसाले हैं, उससे ये स्टफिंग बनी है। शिमला मिर्च, गाजर, प्याज वगैरह सब कुछ है। ये रहा डो मोमोज का, जिससे मोमोज बनेंगे। ये चल रही है मोमोज की तैयारी। ये सारे मोमोज मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। ये शेप मैंने थोड़ी अलग बनाई है, डिफरेंट शेप। अब इसे स्टीम करती हूँ या फ्राई करते हैं, जो भी मन करेगा वो करेंगे। ये मोमोज अब फ्राई हो रहे हैं। जब तक फ्राई करना जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो सक हो जाए हल्के हल्के। देखिए गाइस, मैंने दो टाइप के मोमोज बनाए हैं, एक है स्टीम और फ्राई, ये है चटनी और प्याज। और बहुत टेस्टी बने हैं, यम्मी यम्मी। रिया कैसे लगे मेरे हाथ के मोमोज? इतने टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। बाहर वालों से भी अच्छे हैं, जो मार्केट वाले होते हैं ऑयली होते हैं, लेकिन घर के बहुत ज़्यादा टेस्ट है, आप ही ट्राई करना, बहुत टेस्ट। थैंक यू। मैं मोमोज खाकर कॉलेज चली गई थी, क्योंकि कॉलेज से कॉल आ गई थी कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने आना है। तो फिर हम कॉलेज चले गए थे और डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम निकल दिए। यहाँ पर बोलना अलाउ नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि नीचे एग्ज़ाम चल रहा था तो स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। अब फिर हम चल दिए, फिर हम गार्डन एरिया में आ गए थे। फोटो खींच रहा है क्या? और वीडियो बना रही है? वीडियो बन रही है मेरी। हम दोनों मस्ती करेंगे तो हमारी वीडियो बनना। हम तो मस्ती करते रहते हैं ऑल टाइम। आज हम बहुत दिनों बाद कॉलेज आए हैं, हम जा रहे हैं छोड़ के। हां कॉलेज हमेशा ये टाटा बाय बाय, अब हम नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, अब बहुत दिन आ गए। शाम को हमारी सोसाइटी में पौधे वाले भैया आए थे तो हमने उनसे बहुत सारे पौधे खरीदे। सारे पौधे बहुत सुंदर थे, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा मेरे घर के बाहर प्लांट्स हैं, छत पे भी प्लांट्स हैं। मैं पौधे है ना लगाती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरी मौसी है जो आई हुई थी घर पर, इन्होंने भी पौधे खरीदे और बहुत ही सुंदर थे पौधे। और ये देख रही है मौसी कि कौन सा लूँ, कौन सा अच्छा लग रहा है।
ये फ्लावर्स है, ये भी बहुत प्यारे थे। ये वाला प्लांट ही मैंने ख़रीदा, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स थे इसके। और ये रेड वाले फ्लावर्स भी बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही सुंदर लगते, छोटे छोटे से। देखिए गाइस, यहाँ पे तीज की तैयारी चल रही है। मैं मम्मी के हाथ पे मेहंदी लगा रही हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगी जब दिखाऊंगी। ये मेहंदी मैंने लगाई, देखो कितनी सुंदर लग रही है।